नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश, आप सभी का स्वागत करता हूं मैसेज एजुकेशन चैनल पर। हां दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इससे आप लोग को सबसे बड़ा फायदा है कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज हम बात करेंगे मंडी निरीक्षक व्यापम परीक्षा की, जो अधिकतर व्यापम संबंधित परीक्षाओं में जैसे मंडी निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, अन्य परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे दोस्तों आज। तो हम आज बात करते हैं व्यापम के एक संबंधित सिलेबस, जिनका सब्जेक्ट है हिंदी है, उनसे 10 नंबर या 20 नंबर का मार्क्स पूछा ही जाता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक सब्जेक्ट क्रिया के सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। क्रिया होता क्या है, क्रिया से रिलेटेड आज पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के उदाहरण देखेंगे, क्रिया के कितने भेद हैं, आज क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया के कितने प्रकार हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। क्रिया के जितने भी टॉपिक हैं वो आज उन सबको कवर करा दूंगा। चलिए देखते हैं, जैसे क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया के किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे काम का नाम बताना शब्द को क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं दोस्तों, अर्थात क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं, और धातु में न शब्द जोड़ने से सामान्य क्रिया बन जाती है। जैसे हमारे पास कोई धातु है, धातु में न शब्द जोड़ने से सामान्य क्रिया बन जाएगी। जैसे हमारे पास कोई धातु है लिख, उसमें हम न जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक क्रिया बन जाएगा लिखना। जैसे पढ़ धन्ना पढ़ना, ये शब्द एक क्रिया है। जैसे क्रिया का एक उदाहरण है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन लिख रहा है, मोहन स्कूल जाएगा, ये सब क्रिया है। किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हमारा चौथा है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म की प्रधानता होती है, अकर्मक मतलब इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है। चलिए देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसे इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं और इसे इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं दोस्तों। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब इनट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। चलिए सकर्मक क्रिया क्या होता है देखते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों। जैसे जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात कर्म की प्रधानता रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे अध्यापक पढ़ रहा है या अध्यापक ने लड़के को पीटा, चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया में क्या होता है। अध्यापक ने लड़के को पीटा, इसमें सकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों, इसमें अध्यापक क्या है, अध्यापक करता है और लड़का क्या है, कर्म है, ये कर्ता, अध्यापक कर्ता हो गया और लड़का कर्म हो गया। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य और फल किसका, लड़के का पीटे जाने का कार्य। जैसे उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता क्या कर रही है, गीता पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आजकल
खूब पढ़ता हूँ। तो क्या कर रहा दोस्तों, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, कर्ता और कर्म। कर्म क्या करें, पढ़ने का, कौन है कर्ता? मैं आजकल पढ़ने का काम कर रहा हूँ या खूब पढ़ता हूँ। जैसे चौथा एग्जाम्पल है हमारा, राम आम खाता है, सकर्मक क्रिया है। दोस्तों अक्सर ये व्यापम में पूछा जाता है दोस्तों, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राम क्या कर रहा है दोस्तों, आम खाने का काम कर रहा है। राम आम खाता है, कर्ता ने कर्म को सकर्मक क्रिया, राम आम खाने का काम कर रहा है। यह सीजी व्यापम के एडियो 2012 में पूछा गया था दोस्तों, और ये वाला भी पूछा गया था, गीता ने पुस्तक पढ़ी, राम आम खाता है। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होता है। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्य क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जिन क्रियाओं के क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया जैसे होने पर सकर्मक हो जाता है। जैसे जैसे हम बताते हैं, राम बजाता है, क्या है, अकर्मक है, उसका कोई पहचान नहीं है। जैसे राम बजाता है, राम क्या है, बजाता है, राम क्या है, कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्ता। कर्म अनुपस्थित है इसमें। राम क्या है, बजाता है, किसे बजाता है, पता नहीं किसे बजाता है। राम बजा रहा है, क्या बजा रहा है, अनुपस्थित है, कर्म अनुपस्थित है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता यहाँ है लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं, किसे बजा रहा है, अकर्मक क्रिया होगा दोस्तों ये, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल देखते हैं, राम ने बजवाता है, राम ने बजवाता है, क्या बजवाता है, पता नहीं क्या बजवाता है। दोस्तों सबसे सरल और आसान तरीका है दोस्तों अकर्मक क्रिया को पहचानने का, जहाँ अकर्मक क्रिया में ने दिख जाए वहाँ अकर्मक क्रिया नहीं होता, ये सकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग कभी नहीं होता। वह राम को बजवाता है, कौन सा दोस्तों, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। वह कौन, वह एक आदमी है, मतलब इशारा कर रहा है कि वह राम को बजवाता है, बजाने का काम कर रहा है, राम को बजवा रहा है, कौन, कर्ता। और कर्म कर्म कर रहा है, बजाने का कर्म कर रहा है, वह बजाने का कर्म कर रहा है, कौन, राम। तो क्या होगा दोस्तों, सकर्मक होगा, सकर्मक क्रिया। जहाँ न का प्रयोग हो वहाँ अकर्मक क्रिया होता है। सबसे सरल और आसान तरीका है पहचानने का। जैसे सकर्मक क्रिया पहचानने के तरीका क्या है दोस्तों, जैसे तैरना, सोना, ठहरना, मरना, जीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, डरना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया। विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल है, विद्यार्थी मतलब क्या है, कर्ता पर पढ़ रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया के प्रकार। तो सकर्मक क्रिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों, सकर्मक क्रिया दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, एकर्मक, पहला हो गया हमारा एक कर्मक क्रिया, और दूसरा हो गया हमारा द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों देखते हैं एक कर्म क्रिया क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव एक ही कर्म पर पड़े। जैसे हिमेश आम खाता है, एक ही कर्म पर पड़ रहा है दोस्तों। जैसे हिमेश आम खाता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या है, एक कर्म क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों, जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़ता है। इसमें तो सिर्फ एक ही कर्म पड़ रहा है दोस्तों, एकर्मक मतलब एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है। यहाँ मोहन
मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो दो व्यक्ति तो नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया हो गया दोस्तों। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है चलिए देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया सबसे आसान तरीका दोस्तों, दो व्यक्ति रहेंगे यहाँ, दो कर्म, जैसे द्विकर्म, दो व्यक्ति रहेंगे यहाँ, दो काम करेंगे, कर्म करने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। चलिए देखते हैं, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ते को रोटी खिलाई, रोटी खिलाई। दोस्तों यहाँ दो कर्म आ रहे हैं, ममता और एक कुत्ता, मतलब दो कर्म पड़ रहा है, दो व्यक्ति, मतलब जैसे दो वस्तु मान लीजिए, दो व्यक्ति, दो द्विकर्मक क्रिया। एक और देखते हैं, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दिया। एक कर्म और ये दो कर्म। सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, क्या, सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका, जैसे क्या, किसको, किसे, यह पहचानने का तरीका है दोस्तों सकर्मक क्रिया। जिन धातुओं में अकर्मक और सकर्मक दोनों का रूप होता है उसे उभयविधि धातु कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्म के प्रकार, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट टू में देखिएगा दोस्तों सकर्मक और अकर्मक के प्रकार, ये सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक में अंतर क्या है दोस्तों, पार्ट टू वीडियो में देख लेना दोस्तों। चलिए धन्यवाद।